मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज एक विशेष अवसर पर मैंने ये वीडियो बनाया हूँ जो मेरी इस YouTube चैनल का 200वां वीडियो है। मैं हमेशा सैकड़ों के वीडियो पर आपको मतलब हर 100, 200, 300 इन वीडियो नंबर्स पर आपको मैं स्पेशल लेसन देता हूँ। जैसा पिछली बार मैंने 100वां वीडियो जो बनाया था वो कव्वाली ठेके के ऊपर कुछ स्पेशल बोल के लिए बनाया था, आज ऐसे ही मैंने 200वां वीडियो आपको कव्वाली ठेके के ऊपर ही कुछ अलग अलग बोलों पर बता रहा हूँ। ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है, आप लोगों के दुलार का नतीजा है कि मैं आज 200वां वीडियो बना रहा हूँ। और बड़े मेरे भाग्य की बात है और इत्तेफाक से मैं कुछ दिन पहले मेरे इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स को पूर्ण कर चुका हूँ। तो ये आप लोगों मुझे पसंद करते हैं, ये इस चीज़ों से झलकता है। और आप लोगों मुझे कमेंट्स भी करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, मुझे आप कॉल्स भी करते हैं और मुझे बधाइयाँ देते हैं और मुझसे ऐसा आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे ही वीडियो डालते रहें जिससे कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिले। तो मेरा उद्देश्य भी कुछ इसी प्रकार का है कि मैं आप लोगों को जो भी मैं जानता हूँ, जितना भी मैं समझता हूँ तबले के ऊपर,
मैं आपको सब का सब दूं। तो ऐसा कुछ नए वीडियोस डेली मैं आपके लिए कुछ ना कुछ शिक्षा पर आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं, जिसमें तबले की कुछ बारीकियां, कुछ नए नए बोल और कुछ नए नए तबला कवर्स आपके सामने देता रहता हूं। तो आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, दुलार दिया, आपने मुझे इतना व्यूज़ दिए, इतने सब्सक्राइबर्स दिए, मैं आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप आगे भी मुझे इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो आज का जो 200वां वीडियो है, ये इस चैनल का एक गौरव बढ़ाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो पर कुछ स्पेशल लेसन आपके लिए लाया हूँ। यह एक कव्वाली है, रस की कमर, ये सभी जानते हैं और सभी ने अच्छे से सुनी हुई है और बड़ी मशहूर कव्वाली। तो इसके अंदर कुछ बोल लगे हैं जो, और कुछ मैंने मेरे हिसाब से जो मैंने इसमें बजाए हैं, वो सारे बोल जो मैंने आज आपको कवर करके बताया है, तो सारे बोल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बजे हैं, कौन कौन से बोल बजे हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको इस कव्वाली के ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार से आप किस किस तरह से किन किन बोलों को आप बजा सकते हैं, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैंने शुरू से जो बोल लगाए थे उन बोलों को लास्ट तक आपको कौन कौन से बोल बताएं, सभी को आपको मैं स्लो मोशन में समझाऊंगा। तो देखिए, शुरू का जो बोल था, जो शुरुआत का बोल है, वो कुछ इस प्रकार से है। धिट ते धिता तिट तिट धिधा, बेहद सरल बोल है, इसमें कोई कठिनता वाली बात नहीं। थोड़ा बजाने का तरीका आप समझेंगे कि इसकी बारीकियाँ कहाँ पर है, कहाँ पे हमें इसे स्लाइड देना है या घुमकी देना है, इन सब चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। तो बोल है धिट ते धिता तिट तिट धिधा, देखिए किस प्रकार से बज रहा है। तो मैं आपको इसका स्लो मोशन बजा करके बताता हूँ। धीट धीट मतलब जो राइट हैंड पे हमारा तीट या तेटे जैसा बसता है, फर्स्ट फिंगर से ती और सेकंड और थर्ड फिंगर से टे, इस तीट के ऊपर हमें घी का प्रयोग करना है। धीट धीट, फिर तिद्धि तिद्धि, ये तीट वाला जो हमारा बोल है तीट, उस ट के ऊपर हमें घी का प्रयोग करना, तो तिद्धि शब्द बनेगा तिद्धि। तो शुरुआत से देखते हैं, धीट तिद्धि तित्ता, इस ता के ऊपर आपको थाप लेनी है। धीट तिद्धि तित्ता तीट तीट धित्ता, इसका स्लो मोशन आप एक बार में समझें, फिर उसको मैं आपको फिर से आपको इसका डिटेल से आपको कैसे बजाया जाएगा बताता हूँ। धीट तिद्धि तित्ता तीट तीट धित्ता, अब इसमें कुछ बातों का ध्यान देना है, अब देखें किस प्रकार से बजेगा। धीट तिद्धि, ये जो धीट तिद्धि है, तिद्धि में जो हमारा लेफ्ट हैंड का जो डग्गा है उस पर हमको घुमकी लेना है। धीट तिद्धि तित्ता, और इस ता के ऊपर, तित्ता के ता के ऊपर आपको थाप लेनी है, यदि थाप नहीं लेंगे तो इस बोल की जो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद जो बोल है अगला, तीट तीट धिद्धा तीट तीट धिद्धा, तो धिद्धा में आपको ध्यान रखना है कि जो शुरुआत वाला धी है उसको आप स्लाइड करेंगे और धा को आप खोलेंगे। धिद्धा तीट तीट धिद्धा, ये पहला वाला बोल हो गया, बेहद सरल तरीके से आपको मैंने समझाया। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा रियाज करेंगे, तो ये आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा। सिर्फ अभ्यास ही हमारे सारे बोलों की स्पष्टता को ला सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, सही तरीके से अभ्यास करें, जैसा मैं बोल आपको देता हूँ, जो छोटे छोटे टिप्स उसमें बताता हूँ, उन टिप्सों को जरूर ध्यान दें कि आप कहाँ पर थाप लेना है, कहाँ पर घुमकी लेना है,
यदि इन चीज़ों का आप इग्नोर करेंगे तो जो बोल की स्पष्टता है या जो बोल का सही स्वरूप है वो नहीं आ पाएगा। खैर, तो आगे दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक उठान है। जब हम इस बेस लेवल से थोड़ा सा दुगुन करते हैं जो मैंने अपनी तरफ से डाला है, तो उसमें हम एक उठान लगाते हैं। तो उसमें दो प्रकार की उठान लगा सकते हैं, मैं आपको दोनों बजा करके बताता हूँ। धा तिरगिट तख्ता तिरगिट, ये बेहद सरल उठान है, पहले भी मैंने कहीं पर बताई है, आज भी आपको बताता हूँ। धा तिरगिट तख्ता तिरगिट, धा तिरगिट तख्ता तिरगिट, धा तिरगिट तख्ता तिरगिट, तख्ता, ये तख्ता को आपको समझना है। धा तिरगिट तख्ता तिरगिट, ऐसा धा त्रिकेट तख्ता त्रिकेट, धा त्रिकेट तख्ता त्रिकेट, ये हमारा स्लो मोशन है। धा त्रिकेट तख्ता त्रिकेट, इस बोल को हमें थोड़ा सा स्पीड में लाना पड़ेगा, जब हम इसको चैलेंज में बजाएंगे तो थोड़ा सा और स्पीड में आएगा। देखिए किस प्रकार से, एक और बोल है यदि आप उसको भी यदि ठान में लेते हैं तो किस प्रकार से बजता है, देखिए। जहाँ हम धा त्रिकेट तख्ता त्रिकेट लगा रहे थे, वहाँ हम धाधा त्रिकेट तख्ता त्रिकेट भी लगाएंगे तो वो और खूबसूरत हो जाएगा। तो ये धा त्रिकेट तख्ता त्रिकेट की जगह आप धाधा त्रिकेट तख्ता त्रिकेट भी लगाएंगे तो खूबसूरती वैसे ही बनी रहेगी और नया बोल आपको मिल जाएगा। तो ये आपको एक उठान बताई मैंने। अब अगला जो बोल मैं बजा रहा हूँ वो बोल है धिट नाना तिट धाना, देखिए किस प्रकार से बजता है। तो इसका स्लो मोशन समझिएगा, धिट नाना तिट धाना, धिट नाना तिट धाना, धिट नाना तीट धाना, धीट नाना तीट धाना। अब इसमें आप समझें कि हमें कहाँ कहाँ पर थाप लेनी है और कैसा बजाना है। धीट पहली उंगली से ती और दूसरी और तीसरी उंगली से ट, उसके ऊपर हम घे का प्रयोग करेंगे। धीट नाना, चौथा बोल जो ना है हमारा उसके ऊपर हम थाप लेंगे। धीट नाना फिर तीट धाना, बेहद सरल बोल, थोड़ा सा हम इसे लयात्मक रूप से थोड़ा सा स्पीड में बजाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बजता है। तो ये हमारा पहला बोल हुआ। अभी इसी स्पीड में मैंने एक और बोल चेंज करा था जो वो भी बहुत खूबसूरत बोल है, वो देखिए मैं किस प्रकार से बजाता हूँ और बोल वास्तविकता में क्या बोल है। बोल है धिट तित्ता तिट धित्ता, देखिए किस प्रकार से बजेगा। तीट तित्ता तीट धित्ता, धीट तित्ता तीट धित्ता, इसको समझे किस प्रकार से बजेगा। तिट वाला जो शब्द है हमारे फर्स्ट फिंगर से ती और सेकंड थर्ड से ट और उसके साथ घे, धीट तित्ता के लिए आपको, तित के लिए आपको आगे उंगली पहली उंगली को आप मैदान पे आगे ले आके बजाएंगे तित, और ता के ऊपर आपको लेफ्ट की थाप भी देनी। टिट तित्ता टिट धित्ता, टिट तित्ता टिट धित्ता। ये आप ध्यान में रखें कि जो दो बोल हैं
धिट तित्ता, तिट धित्ता और धिट नाना, तिट धाना, ये जो दो बोल हैं, ये दो बोल हमेशा कव्वाली के कहरवे में यदि कव्वाली है तो ये कव्वाली के बेस बोल हैं। आपको हमेशा इन बातों को ध्यान रखना है कि ये दो बोल हमेशा कव्वाली में लगेंगे। तो आप कहीं भी यदि कव्वाली पे प्ले कर रहे हैं या उसके साथ संगत कर रहे हैं तो ये दो बोलों की हमेशा प्रमुखता रहेगी। तो ऐसे ही कुछ लेसन मैं आपके लिए आज तक लेके आया हूँ, जिसमें आपको ये 200 नंबर का वीडियो है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, और ऐसे ही मैं आगे भी आपके लिए 300-400 हर एक सैकड़ा यानी 100 नंबर की वीडियो पर मैं आपको कुछ स्पेशल देता रहूँगा। जैसे मैंने पिछले 100 नंबर वीडियो पर मैंने आपको कुछ स्पेशल दिया था, वैसे ही आज भी मैं आपको एक स्पेशल लेसन दे रहा हूँ जो कव्वाली के ऊपर है। आशा है कि आगे जब मैं 300 नंबर का वीडियो बनाऊँगा तब भी मैं आपको कुछ स्पेशल दूँगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसके ऊपर ज़रूर मुझको कमेंट्स करके बताएंगे कैसा वीडियो लगा है। कुछ समय से मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ जिसमें मैं आपको डायरेक्टली घर बैठे तबला सिखाता हूँ। आप घर बैठे ही मुझसे तबला सीखना चाहते हैं तो मेरे इस दिए हुए नंबर पर मुझसे आप कॉन्टेक्ट करें, मुझसे बात करें और इस ऑनलाइन क्लासेस की पूरी प्रक्रिया को जानें कि किस प्रकार से ली जाती है या आप इसमें किस प्रकार से शामिल हो सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस और आपके लिए बहुत सारे ज्ञान का भंडार हो सकते हैं। तो अभी तक के इस सफ़र में आपके इतने प्यार का और दुलार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आखिरी में आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।